पहले तो रोना बंद कीजिए आप लोग, रोइए मत। सुनिए रोइ, देखिए आप बुद्धिमान है, समझदार है, रोइए मत, पहले खुल कर बात बताइए। कौन से देश में फंसे हैं आप लोग, कौन से देश में? कहाँ पे? उसके बाद में कंपनी जॉर्डन अमान, जॉर्डन 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 देश में। कौन लेकर गया आप लोगों को, कौन लेकर गया था? बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं आप? सर हम लोग, मेरा घर हुआ सीतामढ़ी जिला, घर हम लग रहा हुआ सर सुपी थाना और पोस्ट कमरिया सर। कौन लेकर गया था आपको वहाँ जॉर्डन? सर हम लोग दिल्ली से इंटरव्यू ऑफिस से देकर आए थे सर हम लोग। क्या काम बोलकर करवा, क्या काम करने के लिए बोला गया था? सर हम लोग आए हुए थे स्टोर में, आए हुए थे फैब्रिकेशन स्टोर में, सुपरवाइजर में सर आए हुए थे, लेकिन सर कंपनी मालिक कंपनी बंद कर दिया, बोला 10 तारीख की सैलरी देंगे, उसके बाद में कंपनी मालिक कंपनी बंद करके, और बाकी हम लोग सुबह कर रहे काम करने के लिए गए थे, देख रहे सर कंपनी बंद है, उसके बाद में हम लोग पूरा रोड कंपनी के बाहर हम लोग खड़ा थे, लेकिन कंपनी मालिक खोला नहीं, कंपनी बोला कंपनी बंद हो गया, कंपनी खुलेगा नहीं। कंपनी मालिक वहां का था या इंडियन था? सर कंपनी मालिक इंडियन है, और कंपनी जो जीएम मैनेजर है ना वो भी इंडियन है सर। अच्छा आप बिहार से वहां पर कितने लोग फंसे हुए हैं? सर बिहार से लगभग 120 आदमी है सर, 50-60 आदमी सर बिहार का है सर। लगभग 50-60 आदमी हैं। जी जी। और पूरे देश के कितने लोग हैं, मतलब और जो और अन्य राज्यों के? यूपी का है और बिहार का, टोटल 116 आदमी सर बिहार में फंसा हुआ है सर। 116 आदमी जॉर्डन देश में फंसे हुए हैं। जी जी। और उसके बाद में श्रीलंका का 800 लड़की फंसा हुआ है, बांग्लादेश का 300 लड़की है, और नेपाल का 60 आदमी है लड़का लड़की लेके। अच्छा ये बताइए वहां से आप लोग आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, मतलब आपको अगर पैसा भेज दिया जाए तो क्या फ्लाइट बुक करके आ सकते हैं क्या, वीजा फ्लाइट लेकर? साल भर के इकामा वीजा लगा, ठीक है, उसके बाद में किसी का 1.5 साल से वीजा नहीं है, किसी साल किसी का 4 साल से वीजा नहीं है, किसी का 2 साल से वीजा नहीं है, तो उसका गरामा भरना चाहिए सर, जो कंपनी का काम है इकामा और वीजा गरामा भर देगा, हम लोग का काम नहीं है सर। अगर अगर हमको आने के लिए अगर ऐसा रहता ना सर, मेरे पास अगर वीजा रहता ना तो मैं घर से 36,000 रुपया लगा के टिकट मांग के मैं आ जाता सर, लेकिन यहाँ 2-3 लाख रुपया गरामा भरना चाहिए सर, ये कंपनी का काम है सर। 2-3 लाख रुपए, मतलब आप उधर से वीजा लेकर आ ही नहीं सकते हैं अपने आप से? नहीं आ सकते सर, अगर आप सुनिए ना एक मिनट, हम अगर इंडिया से टिकट आप लोग भेज रहे हैं तो हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पर पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगा सर। तो इसमें सरकार आपकी मदद कर सकती है? जी जी, अगर सरकार वहां से जैसे कि विदेश मंत्रालय हुए ना, वो वहां के जो विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्रालय से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी हम लोग इधर गरामा है वो माफ करके तब हम लोग आ सकते हैं, तो ऐसे नहीं आ सकते सर। अच्छा ठीक है, हम लोग जो है एक वीडियो आपका ये बना रहे हैं, ये पोस्ट करेंगे। कब गए थे आप, कितने दिन से जॉर्डन में हैं? सर मेरा, मैं 2021 में 8वां महीना 28 तारीख को फ्लाइट हुआ था सर मेरा। 18 तारीख 8वां महीना? नहीं, 2021 में 8वां महीना 28 तारीख को फ्लाइट हुआ था। मतलब 2021 अगस्त से आप वहीं पर हैं? तब से 2021 से आप ओपन है कि, यानी अगर 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 बीत गया, लगभग 2.5 साल बीत गया, आप नहीं आए? तो खा पी क्या रहे वहां पर, मतलब कमा क्या रहे, खा क्या रहे हैं? सर 2 महीना से कंपनी खाना उना नहीं दे रही, वही टमाटर दे रहा है, चावल दे रहा है सर, यही प्रॉब्लम है, वो भी टमाटर चावल टाइम से भी नहीं दे रहा है सर हम लोग को खाने के लिए। आज के रेट में एक और चले से पूरा इंडियन आदमी को काम दिया सर। और लोग दिखाइए, और जो लोग हैं आपके पास दिखाइए, कितने लोग हैं सर अभी कंपनी पर? सर खड़े हैं अभी, आपको जाके वीडियो बना के दिखा। सर अभी हम लोग कंपनी के पास जा रहे हैं ना, कंपनी के पास जाके वीडियो करके सर आपको दिखाते हैं, वीडियो कॉलिंग। नहीं, यहाँ पर कितने लोग हैं आपके साथ, उनको कैमरे में दिखाइए एक बार। सर यहाँ पे 2-4 आदमी है सर। ये सब लोग बिहार से ही हैं क्या? जो है सारे लोग बिहार से हैं? कौन कौन से जिला से हैं बिहार में? आप कौन से जिला से हैं बिहार में? बिहार में आप कौन से जिला से हैं? सीतामढ़ी जिला से हूँ सर। और आप? जी मैं गया जिला
गया जिला का हूँ सर, फतेहपुर थाना। आप? मैं सर हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, यूपी। यूपी हरदोई से हैं आप? हेलो नमस्कार सर। कहाँ से हैं भाई, कहाँ से? मेरा जिला हुआ सीतामढ़ी, गांव बतना चौधरी टोला। सीतामढ़ी से? मतलब सीतामढ़ी के ये पूरा ग्रुप है, कुछ लोग यूपी से भी हैं। तो क्या वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी नौकरी वोकरी आपको नहीं मिल रही है, दूसरी कंपनी मिल जाए या नहीं? यहाँ का अलाउ क्या, जैसे इंडिया में है ना कि कंपनी से दूसरा इधर नहीं जा सकते सर, हम लोग के ऊपर यानी 1.5 लाख रुपया जोर्डन सरकार के यानी कि कर्जा हम लोग के ऊपर, जो ग्रामा होता है ना वीजा लगता है, वो वीजा हम लोग के समझे 2 साल से फिनिश है। तो कोई कोई वहाँ पर आपको परेशान वगैरह भी करता है क्या? यहाँ का पुलिस परेशान करता हम लोग के सर, अगर हम लोग कंपनी के बाहर निकल के बैठते उठते कि हाँ हमारा मारता भी है, हम लोग को मारता भी है, भेजा जाए यहाँ से, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, जो हमारा जो मैनेजर होता है जीएम वो भी नहीं आता है सर हम लोग के पास। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है और विदेश मंत्रालय मैं चेक कर लेता हूं किसके पास है, गृह मंत्री और जो है विदेश मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की गुहार को सुना जाए। जॉर्डन देश में आप लोग फंसे हैं? जॉर्डन ओमान। ये पिछले एक महीना से हम लोग को फोन कर ये बोल रहे हैं कि हम लोग फंसे हैं, हमारी मदद की जाए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, ये जॉर्डन ओमान देश में फंसे दूतावास जाने के लिए, मालूम है इंडियन 5000 रुपए चाहिए, मगर हम लोग पास पैसा नहीं है सर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम लोग सर कैसे जाए। जॉर्डन देश है, उसकी 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 कैपिटल अमन है, अमन है, अमान अमान। अच्छा ये बताइए, जॉर्डन में आप लोग करने क्या गए थे, मतलब क्या करने गए थे, कौन सी प्रकार का जॉब मिला था आपको? जो है कितना कितना सैलरी मिलता था वहाँ? जी हम लोग के सैलरी मिलता था इंडियन 25000 रुपए कमा लेते थे सर। 25000 रुपए। चलिए हम लोग आपके आपका एक वीडियो बनाया इसके माध्यम से। अच्छा ये जो है इंडियन एम्बेसी में वहाँ जाकर प्रयास नहीं किया आप लोगों ने, जो जॉर्डन में जो जी हम लोग सर 2 बार गए थे, मगर वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, बस काम हो रहा है बस इतना दे के दिलासा दे के भेज देता, और कुछ सुनने के तैयार मालूम है। आज हम लोग के हॉस्टल से बाहर 1 महीना 20 दिन हो गया सर, कुछ भी सुनने के तैयार, आज मालूम होता है तो लाइट भी काट दिया, इधर का आर्मी जो लोकल होता है वो हम लोग हॉस्टल से बाहर कर दिए हुआ है सर, पता नहीं हम लोग आज रात कैसे कटेगा सर, कुछ मालूम नहीं है सर, हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे सर, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। हम लोग ने 1-2 महीना से प्रयास किया पूरे जगह कॉन्टेक्ट करने के सर, किधर से भी मदद नहीं मिल रहा है सर, हम लोग पूरा हिम्मत हार चुके हैं, हम लोग अभी तो रोड पे निकल चुके हैं सर, पता नहीं आज का रात हमारा जिंदा होगा कि नहीं होगा सर, कुछ मालूम नहीं है सर हम लोग के लिए सर, किधर से भी मदद नहीं है। बाहर कुछ अपने माहौल दिखाएंगे, अपने बाहर कुछ बैक कैमरे से माहौल दिखाएंगे क्या है पीछे के कैमरे से? जी सर सर दिखा देते सर, 1 मिनट लाइन पर रहिए सर। अभी 50 से 60 लोग मित्रों ये लोग बिहार के वहाँ फंसे हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार और इनके जानकारी में लगभग 120 लोग वहाँ पर जो है फंसे हुए हैं, लगभग 120 लोग, और इनको ये नहीं पता है कि अगली सुबह होगी भी या भी नहीं, या नहीं होगी। ये लोग पिछले 15 दिन से हम लोग को फोन कर रहे हैं, आज हमने सोचा कि इनका वीडियो बनाकर जो है विदेश मंत्रालय को हम लोग बताते हैं कि कोई है जो वहाँ फंसा हुआ है, और अगर शायद से इनको सही समय पर वापस नहीं आया तो ये भूखे और हमने सर कहाँ नहीं किया, हर जगह किया, इधर जो हमारा जो हमको लेके आया अमन सर, उसका नाम अमनदीप नाम है, वो भी देखने के लिए हम लोग के लिए अपने आ रहा है सर। अमनदीप कहाँ का था? जी वो पंजाब का था। हाँ अमन मैनेजर है। बैक कैमरा दिखाइए थोड़ा सा। जी सर अभी 1 मिनट सर दिखा देते रोड पे। सर अभी हम लोग कंपनी के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको।
सर सामने जो है ना यही हम लोग का कंपनी है सर। यही कंपनी है? जी जी यही कंपनी है, हम लोग इसी कंपनी में काम करते थे। कंपनी मालिक लगभग 2 महीना से कंपनी मालिक, हम लोग काम करने के लिए सुबह सुबह आए कंपनी में, देख रहे थे सुबह सुबह कंपनी लॉक है कंपनी में कोई, फिर बाद में हम लोग पता किए तो बोला है कंपनी बंद हो गया, कंपनी में कोई वर्क काम नहीं करेगा सर। उसके बाद में सर किसी को 2 साल से सर अभी किसी का 2 साल का सोशल बाकी है, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 14 साल, समझे सर जी। किसी सभी इंडियन जो भी इंडियन आदमी है सब, किसी का 5 लाख है, किसी का 6 लाख है, किसी का 7 लाख है, किसी का 8 लाख है, ऐसे ऐसे सर पैसा बाकी है। अगर सुनिए ना, अगर 5, 6, 7, 8 लाख रुपए आपके घर के लोग अगर व्यवस्था कर दे तब आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, कि तब भी नहीं आ पाएंगे? सर हम लोग आ सकते हैं लेकिन हम लोग को इधर जो भी सिस्टम हम लोग को मालूम नहीं है ना सर, इधर का जो भी पुलिस प्रशासन है ना, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को मारता है सर। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए कंपनी के सामने हम लोग पूरा दिन भीड़ लगाए हुए है ना, अभी पुलिस प्रशासन आएगा डंडा चार्ज करेगा। देखिए सर ये कौन लोग हैं, ये जो लोग खड़े हैं ये कौन लोग हैं? ये सब सर कंपनी का वर्कर है, सब कंपनी के वर्कर है सर, कंपनी में काम कर रहे हैं। कौन सा देश का है ये लोग सब लोग? सर इधर लड़की लोग है बांग्लादेश और श्रीलंका का लड़की, तो लड़की लोग है जो भी लड़का है जो सब अपने इंडिया का है सर। अच्छा लड़का श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश और भारत के लोग इसमें हैं? जी जी ठीक है, हम जो है बात करते हैं, हम ये वीडियो पोस्ट करते हैं, हो सकता है कि आप लोगों की मदद हो, ठीक है ना? ठीक है सर, थोड़ा हेल्प कीजिए सर। पक्का 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 पोस्टर से बाहर निकाल दिया सर, हम लोग पूरा रोड पे आ गए हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है, यही कंपनी है सर, देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। ये लोग मित्रों अपने दूसरे देश में, एक छोटा सा देश है जॉर्डन, वहां पर ये लोग काम धाम के तलाश में गए हुए थे और इन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। जो इनका ले जाने वाला था अमनदीप जो पंजाब का था वो भी फोन नहीं उठा रहा है, जो मैनेजर था कंपनी का मालिक भी भाग गया। ये लोगों के सामने परिस्थिति है कि ये वहाँ का कानून, वहाँ का लॉ, वहाँ का संविधान नहीं जानते। अब इनको देश आना है, किस तरीके से आएंगे कुछ नहीं पता। जब तक केंद्र की सरकार, भारत सरकार और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इनका मदद नहीं करेगा तब तक शायद से ये जो है अपने देश नहीं आ सकते हैं। अब इन लोगों के लिए अगली सुबह होगी भी या नहीं होगा, अगला सूरज निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपसे निवेदन करते हैं कि पोस्ट कीजिए इस वीडियो को, ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए और इन लोगों को वापस जो है इंडिया लाइए ताकि इन लोगों का जान और प्राण सब कुछ बच सके।